हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तपेश। आज हम बात करेंगे एक शेयर के बारे में जिसका नाम है इंडोमाइंस लिमिटेड। तो सबसे पहले हम उसका एक बार फंडामेंटल देख लेते हैं, फंडामेंटल वाइज कंपनी क्या लग रही है, बाकी इस पर टेक्निकल देखेंगे उसमें यहाँ पे। तो फंडामेंटल्स में कंपनी देखें तो बहुत अभी यहाँ पे साइज का मार्केट कैप 1238 करोड़ का, बहुत छोटी साइज की कंपनी है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, ठीक है। तो वो चीज़ है यहाँ पे उसमें, और स्मॉल कैप मिड कैप वगैरह में क्या ना, ऐसे तेजी जितनी तेज आती है उतनी गिरावट भी वैसी आती है। नॉर्मली कभी कभी 40-50% तक भी शेयर गिर जाते हैं अपने ऑल टाइम हाई से। तो वो सब चीज़ें भी इनमें ध्यान रखना पड़ेगा। केमिकल सेक्टर का ये शेयर है यहाँ पे, और इसका जो इंडस्ट्री का पी चल रहा है अभी अप्रॉक्स 40% के आसपास चल रहा है, पर इसका जो पी है वो है 25% के आसपास का, ठीक है। मार्केट साइज में अगर देखा जाए तो इसके उसमें तो काफ़ी छोटा है, मतलब देखा जाए तो बाकी के कंपेयर में इसमें। अभी अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखें यहाँ पे, ठीक है, तो जून 21 से यहाँ पे शो कर रखा है यहाँ पे नेट प्रॉफिट 7 चला था यहाँ पे करोड़ के उसमें ये, और अभी भी देखो धीरे करते करते यहाँ पे 19 करोड़ के उसमें आया है। मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि कंपनी छोटी है, तो हिसाब से यहाँ पे देखो चीज भी समझना पड़ेगा। पर 3 साल में अगर देखा जाए यहाँ पे तो अप्रोक्स 2.5-3 गुना यहाँ पे उन्होंने इंक्रीज करा अपने आप को प्रॉफिट को, ठीक है। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे देखेंगे हम यहाँ पे, तो 10 साल पहले यहाँ पे जिसमें यहाँ पे 6 करोड़ का था यहाँ पे, वो आज जाके 50 करोड़ हो चुका है। तो कंपनी मतलब अगर देखा जाए तो 8 गुना कंपनी ने अपने आप को 10 साल में एक्सपेंड करा। तो छोटी कंपनियों के साथ यही होता है कि उनके पास ना मतलब मल्टीप्लाई होने का पोटेंशियल ज़्यादा होता है, मतलब स्कोप ज़्यादा होता है उनके लिए। अब ये 50 करोड़ अगर ये 55-60 करोड़ में कन्वर्ट कर लेंगे तो एकदम से जंप अच्छा दिखेगा, वो चीज़ होती है। जैसे इतनी बड़ी कंपनी है मानो रिलायंस है, और वो इतनी बड़ी कंपनी है ना, वो उसको डबल होने में 1.5 गुना होने में बहुत टाइम लगता है वहाँ चीज़ होने में, ठीक है। तो उनके प्रॉफिट तो नॉर्मली धीरे बढ़ते हैं, पर ऐसे छोटी कंपनी जो स्मॉल कैप मिड कैप है उनके प्रॉफिट एकदम से आपको इसे जंप दिखेंगे इसमें, ठीक है। तो ओवरऑल कंपनी प्रॉफिटेबल है, ये चीज़ अच्छी है यहाँ पे कंपनी का देखने का। देखें तो इसका CAGR देखें तो 10 साल में 28% के हिसाब से दिया है, 5 साल में अच्छा है CAGR भी इसका अच्छा ओवरऑल यहाँ पे देखें तो। बाकी सेल्स वगैरह सब ठीक है, सब चीज़ें देखें तो हम यहाँ पे। अब इस पे देख लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग में अगर देखें यहाँ पे तो काफी अच्छी है, 67% के आसपास चल रही है, हाईएस्ट वैसे भी कोई 75% रख सकता है। तो देखा है तो 67% 66% अच्छी होती है, ठीक है। पब्लिक में भी है ना, कुछ बड़े बड़े नाम जैसे अलग अलग होंगे, हो सकते हैं कि फैमिली के हों या कोई भी हों जैसे जिन्होंने यहाँ पे शो कर रखा है। ऐसे में पब्लिक में ऐसा नहीं कि सारे रिटेल कैटेगरी वाले लोग हैं, पब्लिक में भी कुछ है जिन्होंने अपना अच्छा स्टेक यहाँ पे होल्ड कर रखा है इसमें। तो कंपनी में FII वगैरह तो पहले थोड़े बहुत थे, जो भी नाम मात्र के थे, अभी यहाँ पे DIA वगैरह का जैसा कुछ है इसमें। तो कंपनी के साइज का आपको आइडिया लगेगा क्या, कंपनी की किस कंडीशन की है, कंपनी छोटी है बड़ी है, उसमें रिस्क वगैरह भी इतनी रहती है हिसाब से यहाँ पे, वो अभी हम चार्ट पे देखेंगे। अब देखो चार्ट पे अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो मैंने कहा था कि कंपनी जितने चलती थी इससे उस हिसाब से यहाँ पे गिरने का पोटेंशियल होता है। आप इसको देखो 176 का हाई था इसका, गिर के यहाँ पे ये अप्रोक्स 60% का इसने गिरावट गिरी थी फिक्स, मतलब अप्रोक्स 60% तक यहाँ पे गिर भी चुका था ये शेयर। तो ये चीज़ें आपको उसमें ध्यान रखनी पड़ेगी इसका, जहाँ तक कि 22 अप्रैल में आया हुआ IPO गिरा तो वहाँ का ही शो कर रहा है। अब उसके बाद देखो थोड़ा बहुत गिरावट है, फिर चला, फिर वापस से गिरावट ऐसी है कि 60-60% तक भी करेक्शन आया है। अब उसके बाद एक्चुअल में अगर देखिए तो यहाँ पे ये चला ही कितना था, ये थोड़ा बहुत यहाँ पे चला था, मतलब एक्चुअल में तो ये चला ही नहीं था, मतलब उसके बाद इसने चल के यहाँ पे आया, फिर वापस से करेक्शन कितना आ गया, फिर ये करेक्शन आया यहाँ पे आराम से 40-42% का। तो आप ही देखो मतलब इस तरह के शेयर्स में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, 60-40% तक के करेक्शन आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें यहाँ पे, ठीक है। हमें ये चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अब इसमें चार्ट में क्या दिख रहा है यहाँ पे कंडीशन, ये अपने जो पुराने हाई है यहाँ पे, एक तो ये हाई था 176.40, इसके ऊपर निकला था, लेकिन इस मंथ में भी इसने यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दी, ठीक है। तो ये अपने जो पुराने हाई है उनके ऊपर भी दिक्कत कर रहा है, और अभी रिसेंट जो हाई बने थे यहाँ पे 182 का और 184 मतलब 185 का, तो 185 से लेकर 182 की जो रेंज है यहाँ पे अभी आके एक बार ये शेयर हो सकता है यहाँ पे, इसमें ब्रेक ले सकता है, ले सकता है इसमें, क्योंकि हमें जब तक है ना देखो कन्फर्मेशन नहीं आएगा ना, तब तक यहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं है चार्ट पे। हो सकता है यहाँ से ये करेक्शन देखे थोड़ा बहुत यहाँ पे अभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए या फिर सेलिंग आ जाए, और वापस से ये 145-147 तक के लेवल पे यहाँ पे आके एक बार इस जगह पर आके ब्रेक ले ले, क्योंकि यहाँ पे अच्छा सपोर्टेबल है। तो ये चीज़ों की पॉसिबिलिटी अभी भी बन सकती है, जब तक इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, वहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आएगा प्रॉपर वे में, विद वॉल्यूम देखना, वॉल्यूम के साथ साथ सस्टेन करना जरूरी है कैंडल का क्लोजिंग, ठीक है। तो वो ध्यान रखना, जब तक नहीं करता तब तक हो सकता है ये रिजेक्शन की तरह काम करे, क्योंकि पुराने जितने लोग होंगे वो भी थोड़ा बहुत यहाँ पे अपना अपना फ्री करेंगे अपने शेयर्स के, जो भी उनके पास फंसे हुए होंगे वो लोग, ठीक है। क्योंकि कब से फंसे हुए होंगे, जनवरी 24 से मतलब 7-8 महीने हो गए इसे करते करते, ठीक है। अब हम एक बार वीकली पे भी देख लेते हैं, वीकली पे कंडीशन लग रही है। वीकली पे देखो चार्ट वगैरह सब सेम कंडीशन है यहाँ पे, चार्ट की स्ट्रेंथ थी, पर थोड़े बहुत ऊपर से टॉप से यहाँ पे सेलिंग आ रही, क्योंकि पिछले वीक में भी आई थी, लास्ट वीक में 182 गया था तब भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई थी उसी वजह से, इस वीक में भी अटेम्प्ट करा वो भी आ रही है। लेकिन हाँ एक अच्छी बात क्या है ना, लास्ट वीक की जो क्लोजिंग थी 168 की, उसके ऊपर इस वीक में यहाँ पे क्लोजिंग दी है, ये अच्छी बात है इसके लिए, ठीक है। और उससे पिछले वीक जो है यहाँ पे उसकी 160 बन थी, तो यहाँ पे कंपेयर देखोगे ना तो हर वीक की क्लोजिंग मतलब पिछले अपने वीक से अच्छी जा रही है यहाँ पे समय। इस वीक की क्लोजिंग यहाँ पे जो आएगी वो भी मैटर करेगी यहाँ पे, और डेली पे देख लेते हैं यहाँ पे
डेली पे वही हुआ है इस वीक, इस मतलब फ्राइडे को देखो तो यहाँ पे ऊपर टॉप थोड़ा सा सेलिंग आके यहाँ पे, अब जब तक ये ऊपर नहीं सस्टेन करता तब तक आप डेली पे देखो यहाँ पे आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। सपोर्ट लेवल का अच्छा है यहाँ पे, एक स्विंग का सपोर्ट इमीडिएट बेसिस तो 162 है, उसके बाद देखा है तो 156 का है, तो ये लेवल यहाँ पे सपोर्ट के अच्छे हैं यहाँ पे। और कोई शॉर्ट टर्म के साथ ही देखें तो ये स्टॉप लॉस के साथ पे अच्छे हैं, 162 का 156 का ये अच्छे स्टॉप लॉस भी बन सकते हैं यहाँ पे इसे के पर। यहाँ पे इसमें कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं, जो भी चार्ट के बेसिस पे लगा वो आपके साथ शेयर करना यहाँ पे। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना ताकि इस तरह की रेगुलर इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।